आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर। रीवा शहर के लोगों को इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। आखिर वह घड़ी आ ही गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुपर अस्पताल। सुपर अस्पताल का विधिवत उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, सुपर अस्पताल का सीधा सा अर्थ है हार्ट, जो रीवा शहर के लोगों के लिए कल्पना से परे की। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस अस्पताल में क्या है कुछ खास हृदय रोग के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीडी त्रिपाठी और डॉक्टर अभिजीत सिंह। डॉक्टर साहब, आप दोनों का न्यूज नेटवर्क टुडे की टीम को समय पहला सवाल डॉक्टर वीडी त्रिपाठी जी आपसे जी। ये बताइए, हृदय रोग का जिस तरीके से रीवा के शहर के लोगों के लिए यहाँ पर एक बड़ी समस्या थी, अभी तक किसी भी तरीके की यहाँ सुविधाएं नहीं थी, आप क्या सुविधा लेकर आए हैं? हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक टर्सरी केयर सेंटर या कहें क्वार्टर्सरी केयर सेंटर की तरह कार्य करेगा, और हम लोग हर तरह की जो भी हार्ट की सुविधाएं हैं, इंटरवेंशन और सर्जिकल, वो पूर्ण रूप से देने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पहली बार किसी भी शासकीय क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, कैथ लैब लगी है, 2 बाईपास की मशीनें लगी हैं। पहले किसी भी शासकीय क्षेत्र में यहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर की सुविधाएं नहीं थी। इसके लिए यहाँ के शहर के लोगों को जबलपुर, नागपुर या भोपाल जाना पड़ता था नियरेस्ट में, और बहुत दिल्ली तक भी जाना पड़ता था। अब उन मरीजों को इमरजेंसी में या फिर इलेक्टिव केसेस के संदर्भ में बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी की पूरी सुविधा हम यहाँ देंगे। लोगों को महानगरों की ओर जाने का सिलसिला थम सा गया है, या यूं कहिए कल से विधिवत रूप से थम जाएगा। हालांकि डॉक्टर अभिजीत ने ओपन हार्ट सर्जरी करके रीवा के शहर के लोगों के लिए एक इतिहास तो पहले ही रच दिया है, लेकिन उस इतिहास को आगे बढ़ाने का, यहाँ पर जिस तरीके से हृदय रोग की समस्या थी, अभी डॉक्टर वीडी त्रिपाठी ने आपको साफ शब्दों में बताया, अब महानगरों की ओर जाने का वक्त हो गया था। हमारे साथ एक ऐसी मशीन भी है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय जो मशीन देख रहे हैं वो भी यूनिक है। एक मशीन तो मैंने आपको बताया था पूरे प्रदेश में रीवा के अलावा कहीं नहीं है, ये दूसरी मशीन क्या है मैं कुछ नहीं जानता, इसके बारे में हम सीधे बात करेंगे डॉक्टर अभिजीत से, वो ही बताएंगे इस मशीन में क्या है खास। नमस्कार जावेद जी, हमारे पास ये इस मशीन को IABP मशीन कहते हैं, इसका मतलब होता है इंट्रा एरोटिक बलून काउंटर पल्सेशन मशीन। ऐसी मशीनें हमारे पास 2 हैं, एक कार्डियोलॉजी विभाग में सरकार ने हमको प्रदत्त की हैं और एक जो है कार्डिक सर्जरी विभाग में हमारे पास हमको मिली है जो है। इसका मेन फंक्शन ये होता है किसी भी हृदय रोगी के जो है बाएं तरफ का चैम्बर जो है, जिसको हम लोग पंपिंग चैम्बर कहते हैं, जब वो पंपिंग बढ़िया से नहीं होती तो उसको रिलैक्स करने के लिए जो है हम लोग इसमें बलून डालते हैं। तो इसका ये मॉनिटर हो गया, इसमें ये हीलियम सिलेंडर दिया जाता है जो कि बलून को फुलाता और पिचकाता है जो है, और उसके साथ ये बलून जो डाला जाता है, ये एक मरीज में एक ही बलून लगता है। 2 साइजेस के आते हैं, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग, या फिर जो छोटे हाइट के पुरुषों, या डिपेंड करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आयु कितनी है और शरीर का जो है संगठन कैसा है, शरीर की संरचना कैसी है। ये बलून जो है पैर की नसों में जो है यहाँ से छेद करके जो है, और वो हृदय की जो है मुख्य धमनी जो पूरे शरीर में जो है खून सप्लाई करती है, एओर्टा जिसको हम कहते हैं, उसमें ये रेट्रोग्रेड तरीके से डाल दी जाती है। उसके बाद होता क्या है कि जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है जो है, या संकुचन करता है, तो ये बलून फूलता है, और जब हार्ट फूलता है जो है ब्लड खून को अंदर आने देने के लिए, तो ये पिचकता है। उसके जस्ट अपोजिट इसका मूवमेंट रहता है, ये LV को रिलैक्स करता है जो है। तो इससे क्या होता है कि हार्ट की पंपिंग इम्प्रूव करती है और पेशेंट जो है फेलियर में नहीं जाता, तो उससे इसको बचाया जा सकता है। और एक बार पेशेंट की, मरीज की रिकवरी हो जाती है, तो फिर हम लोग जो है इसी तार को यहाँ से पैर से निकाल लेते हैं और पेशेंट की इससे जान बच जाती है जो है। और ये हमारे पास जो है 2 मशीन है, और इसके लिए जो है एक कार्डियोलॉजी में है हमारे साथी डॉक्टर वीडी के पास, आपके अंतर्गत मिली हुई है, शासन द्वारा प्रदत्त है, और एक हम लोग को मिली हुई है। और अब हम लोग इसके स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया भी चली रही है, और जैसे जैसे हमारे पास मैन पावर बढ़ती जाएगी, हमारे पास साथी और आते जाएंगे जो है, तो हम इन सारी सुविधाओं को जो है, जो कि विंध्य क्षेत्र में से पहले कहीं नहीं थी, वो हम आपको जो है और अच्छे बेहतर तरीके से। डॉक्टर साहब ने सीधे और साफ तौर से कहा कल विधिवत उद्घाटन होगा, हम स्टाफ को लगातार भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर एक्सपर्ट यहाँ पर रहेंगे, इस मशीन को हम विधिवत रूप से संचालित करेंगे, बेहतर तरीके से संचालित होगी। हमारा एक सवाल यहाँ पर
डॉक्टर बीडी त्रिपाठी जी से भी एक सवाल और भी है। वो सवाल ये, जैसे डॉक्टर साहब अभी आप ये बता रहे थे, ये तमाम तरीके की सुविधा आप रीवा शहर के लोगों को देने जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल ये होता है कि किस तरीके से अभी, जैसे कि पिछली इसमें हम लोग ये जानकारी नहीं दे पाए थे कि कितनी फीस या किस तरीके का यहाँ पर पैसे खर्च होंगे। यहाँ एक ये भी सवाल होता है कि पैसे कितने लगेंगे, आम आदमी की जेब से कितने पैसे लगेंगे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जो इस समय टीवी स्क्रीन पर आपको देख पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं, उनको बताइए किस तरीके से यहाँ पर उनके जेब से पैसे लगेंगे, कम से कम में किस तरीके से वो अपना बेहतर इलाज हो पाएगा। हमारे यहाँ जो सुविधाएँ हैं उसमें दो तरह के ग्रुप रहेंगे, एक है आयुष्मान कार्ड धारक, उसमें उसको किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा, 0 रुपये लगेंगे। उसके अलावा BPL की OPD शुल्क फ्री रहेगा। अब बात आती है जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और वो पेड पेशेंट कहलाते हैं मेडिकल के नज़रिए में, तो वो कितना चार्ज लगेगा। उनके लिए फ़िलहाल के लिए कमिश्नर द्वारा CGHS रेट अप्रूव किए गए हैं। CGHS रेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट होते हैं जो कि न्यूनतम रेट होते हैं और वो उन्हें पे करने रहेंगे। अब पे की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि जो ये ऑपरेशन है काफ़ी बड़े और महंगे रहते हैं, काफ़ी इम्प्लांट महंगे आते हैं, इसलिए न्यूनतम रेट लेना ज़रूरी है। एक मिनट, अब जाए तो हमारे यहाँ एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का चार्ज कितना आएगा इसको देखें, तो एंजियोप्लास्टी का चार्ज लगभग 72,000 रुपये CGHS रेट निर्धारित हुआ है, स्टेंट के साथ, सिंगल स्टेंट के साथ वो रहेगा, जिसका खर्चा बाहर के हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये आता है। और सबसे बड़ी आता है यहाँ पैकेज के बाद मरीज को सब सुविधाएँ जितनी भी हैं, खाना पीना सब कुछ वो इसमें इन्वॉल्व रहेगा, अलग से उसे कोई भी इसके लिए चार्ज देना नहीं रहेगा। महानगरों से आधे दाम पर वहाँ से बेहतर सुविधा, उसका सीधा सा मतलब है जब हमारे पास बेहतर मशीन, बेहतर स्टाफ, जब ये दोनों चीज़ें किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी होती हैं, हम आज ये गर्व से कह सकते हैं हमारे पास डॉक्टर BD त्रिपाठी, डॉक्टर अभिजीत जैसे डॉक्टर रीवा शहर में मौजूद हैं और पैसे भी आधे लग रहे हैं, तो हम महानगरों की ओर क्यों जाएं। हमारा डॉक्टर अभिजीत से एक सवाल है, पिछले दिनों डॉक्टर अभिजीत ने ओपन हार्ट सर्जरी करके एक इतिहास रचा, किस तरीके से वो इतिहास रचा, जो हमारी जानकारी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वहाँ के अस्पताल के कुछ डॉक्टर आए थे जो किसी जमाने में सफदरजंग अस्पताल में भी जाए थे, इसका मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर डॉक्टर्स ने उस ओपन हार्ट सर्जरी में मदद की, हम पूरी बात जानेंगे डॉक्टर अभिजीत से। लोग ने यहाँ प्लान किया कि ओपन हार्ट सर्जरी होनी चाहिए, तो सबसे पहले जो है बधाई मैं डॉक्टर वीडी को दूंगा कि इन्होंने जो है इसका इनिशिएटिव जो है कैथ लैब का लिया और एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी स्टार्ट की पेसमेकर के साथ। तो फिर हम लोग को ये हुआ कि अब ओपन हार्ट सर्जरी अगर यहाँ पर हम लोग और किसी भी तरीके से शुरू कर सकें जो है, तो ये जो है यहाँ की जनता के लिए एक अभूतपूर्व चीज़ होगी। जो है समस्या उसमें ये थी कि मैन पावर जो है आदमी आपको जो है ट्रेन स्टाफ और टीम चाहिए होती है कार्डिक सर्जरी के लिए, किसी एक के ये बस की बात नहीं। तो अब दूसरी समस्या आई, फिर उसके बाद इसकी व्यवस्था कहाँ से की जाए, तो इसमें मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जो है कार्डियो थोरेसिक डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन प्रोफेसर रिस्पेक्टेड मोहम्मद आजम सर का, कि जिनसे मैंने बात की तो वो तुरंत ही इस बारे में उन्होंने हामी भरी और कहा हर तरीके की जो है मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया जो है, और उनके साथ कार्डियक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर गौहर शमीम, असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियक सर्जरी के डॉक्टर सुमित प्रताप सिंह, चीफ कार्डियक परफ्यूजनिस्ट डॉक्टर साबिर अली खान, और बहुत ही उम्दा किस्म के कार्डियक टेक्नीशियंस हमारे जो है इमरान सलमान और सुबोध और वैभव सोनी, इन सभी के योगदान के बिना तो ये केस परफॉर्म यहाँ पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी मैन पावर अभी हमारे पास है नहीं। हम उस प्रोसेस में हैं और इसमें जनता की तरफ से और पूरे हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से जो है उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतने कम समय में और इतनी बड़ी मदद यहाँ के लिए पहुँचाई है, जो कि आगे भी हम जो है लेते रहेंगे, क्योंकि जनता को यहाँ पर हम लोग जो है इस चीज़ को जो है सुविधा पहुँचानी है। तो अगेन थैंक यू वेरी मच। तो सुना आपने, दो बड़े डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर से बताया, एक लाइन में स्पष्ट कर दिया, अब महानगरों की ओर जाने के लिए रीवा के लोगों को जरूरत नहीं है, हम तमाम सुविधा यहीं पर जुटाएंगे,
जिस फ्लोर पर आप मौजूद हैं, इसी बिल्डिंग पर हम सारी सुविधा जुटाएंगे, लेकिन आपको बाहर नहीं जाने देंगे। वर्ल्ड क्लास के टेक्नीशियन यहाँ पर मौजूद होंगे, जिससे इलाज आसानी से और सुगमता से हो सकेगा। पैसे भी आपके आधे खर्च हो गए। हालांकि डॉक्टर वीडी त्रिपाठी साफ तौर से कह रहे थे मुझे अभी ये रकम ज़्यादा लग रही है, हम लोग कोशिश करेंगे इसको कुछ कम कराने के लिए। न्यूज़ नेटवर्क टीम को ये चाहती है, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर दो ऑपरेशन करके एक रिकॉर्ड बनाया, उसी तरीके से आपकी और आपकी पूरी टीम नित नए सफलता के नए ऊंचाइयों को सुने, और जो भी रीवा शहर के लिए बेहतर हो सके आप लोग वो करेंगे, ऐसी उम्मीद है। न्यूज नेटवर्क टीम को समय देने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।